हेलो दोस्तों, मैं हूँ ओमी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से कुछ ही सेकंड में किसी भी फ़ोन को जो है मोबाइल को जो है हैक किया जा सकता है, और ये होता कैसे ये मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप कुछ ज़रूरी चीज़ें मिस कर जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये होता कैसे है। तो जैसे कि हम लोग कुछ फाइंड करने के लिए 123 ऐसे कुछ डायल करते हैं, उसी तरह कुछ कोड्स होते हैं जिसको हम अप्लाई करके किसी भी नंबर को जो है हैक कर सकते हैं। तो चलिए वो कौन से नंबर है, वो कौन से कोड्स हैं वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोड डालने वाला हूँ #00 2 and then *, और उसके बाद हम लोग एक मोबाइल नंबर डाइल करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैंने कुछ एक मोबाइल नंबर डाइल किया है जो कि मेरा ही है, और उसके बाद में हम यहाँ पर हैश टाइल करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर MIMI जो है कोड है वो स्टार्टेड हो चुका है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोड फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली हो चुका है। इससे होता क्या है, अब इस नंबर पे इस मोबाइल पे जितने भी मैसेज या कॉल वगैरह आने वाले थे अब जो है इस पे नहीं आएंगे। जो मैंने नंबर वहाँ पर कोड के साथ जो है डाला था, अब इस पे जो जितने भी मैसेज या कॉल वगैरह आने वाले थे अब वो इस पे ना आकर उस वाले फ़ोन पे जो उस जो नंबर हमने पहले डाला था उस पे जो है चले जाएंगे। तो ऐसा अगर आपके कोई मोबाइल पे कर लेता है तो आप जान सकते हैं कि किस तरह से वो आपके मैसेज या OTP या कुछ भी कर सकता है, या व्हाट्सएप चला सकता है, या कोई भी सोशल मीडिया भी जो है अकाउंट वगैरह आपके नंबर से ही वो बना सकता है। अब दूसरा कोर्स ये है, अगर ये ऐसा हो चुका है आपके मोबाइल पे और आपको पता ही नहीं है तो इसे कैसे चेक कर सकते हैं, कि अब हम देखेंगे कि कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल पे इस तरह की कॉल फॉरवर्डिंग या हुआ है या नहीं। आपको चेक करने के लिए सिंपल ही आपको डायल करना होगा *#&then*21&then#, और उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने यहाँ पर जो नंबर डायल किया था वो शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसी नंबर पे जो है फॉरवर्ड जितने भी मैसेज या जो है मैसेज या कॉल वगैरह इस नंबर पे हमने फॉरवर्ड किए थे। तो यहाँ पर शो हो रहा है कॉल फॉरवर्डिंग वॉइस, ये देख रहे हैं इस नंबर पे ये कॉल फॉरवर्ड हुआ है, ये हमें बता रहा है। इसको ओके करके हटा देते हैं, और इसके बाद जो है ये हमने जान लिया कि इस तरह से कॉल फॉरवर्ड होता है और किस तरह से कोई हमें मिसयूज़ कर सकता है कोई भी पर्सन। अगर हम बात करने के कुछ सेकंड के लिए हम ये ऐसा दे देते हैं किसी मोबाइल को, अपने मोबाइल को, अगर उसको इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो आसानी से ये कर सकता है। अगर आपको नहीं पता कि आपके फ़ोन नंबर पे ऐसे उनको फ़ोन नंबर को जो है फॉरवर्ड है आपके जितने भी मैसेज या कॉल वगैरह किसी और पे नंबर पे जा रहे हैं, तो आप जो है मैंने पहले जो कोड डाला था कोड डाल के आप जो है जान सकते हैं। अगर ये दोनों हो चुका है, अगर आप ये दोनों हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि इसको हम बंद करना चाहते हैं या इसको हम चाहेंगे डिसेबल करना चाहते हैं, तो डिसेबल करने के लिए हमें एक कोड डाइल करना होगा जो कि है ##&then#, और ये होता है USSD कोड होता है। इसको अप्लाई करने के लिए इसको हम लोग जो है अप्लाई करेंगे या जो है ओके करेंगे। ओके करने पर हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला है जितने भी हमारे कॉल जो है फॉरवर्ड हुए थे, मैसेज कॉल वगैरह जो फॉरवर्ड हुए हैं वो अब जिस कोड को डालने के बाद जो है इरेज इरेज हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप सो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए देख सकते हैं आप, कॉल फॉरवर्डिंग इरेज सक्सेसफुली। इससे ये बता रहा है कि आपको जितने भी कॉल फॉरवर्ड हुए थे या जो मैसेज है वो अब बंद हो चुके, इरेज मतलब जो है बंद हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है कोड डाल के कोई भी आपके जो फ़ोन को कुछ सेकंड में जो है आपके जितने मैसेज या आपकी जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो
जो है यूज़ कर सकता है। तो आप किसी को किसी पर्सन का मोबाइल देने से पहले आप जो है इस तरह की सावधानी ज़रूर रखिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, तो इस तरह की आप सावधानियाँ ज़रूर रखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो यार तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही और भी बहुत सारी कोड है, तो फ़िलहाल मैंने इतने ही कोड आपको बताए हैं। तो वीडियो को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना इससे आपको जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मुझे जो है वीडियो बनाने की मोटिवेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।